केस का बड़ा फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में मुजरिम नवाज शरीफ को 10, मरियम को 7 और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत। अपार्टमेंट्स की कुर्की का हुक्म। साबिक वजीर आजम को 80 लाख पाउंड जुर्माना। अपील में जाने से पहले सरेंडर करना लाजमी। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर 10 साल के लिए नाअहल। 174 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले का मतन। मरियम नवाज इलेक्शन से आउट। एनए 127 लाहौर से कवरिंग उम्मीदवार अली परवेज मैदान में। नवाज शरीफ, मरियम और इसाक डार ने एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में सुना। जुल्म के खिलाफ लड़ने का हौसला बुलंद हो गया। नवाज शरीफ आ रहे हैं, रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। सरासर ज्यादती और नाइंसाफी पर मबनी है। मुस्लिम लीग नून इस फैसले को मुस्तरद करती है। मुस्लिम लीग नून ने फैसला मुस्तरद कर दिया। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सजा सिर्फ फोटोकॉपी की बुनियाद पर सुनाई गई। नैब में मुकदमात साल हा साल से जेरे इल्तवा हैं। बाबर आवान के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गरीब कौम का पैसा लूटने वाले बेनकाब हो गए। मुल्क में पहली बार ताकतवर को सजा हुई। ये इब्तदा है। कौम शुक्राने के नफिल अदा करे। डाकू अब जेलों में जाएंगे। इमरान खान का सवात में खिताब। 26 जुलाई को नए पाकिस्तान का सूरज तुलू होने का यकीन। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला एक दिन में 5 बार मुअक्कर। ऑर्डर की फोटोकॉपियां कराने के बायस ताखीर। कुछ सफात आगे पीछे हो जाते हैं। जज मोहम्मद बशीर की गुफ्तगू। सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। दुनिया न्यूज ने सबको मात दे दी। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की तफसीलात सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाई। दिन भर बड़ी ट्रांसमिशन। आईनी माहिरीन की कानूनी निकात पर सैर हासिल बहस। इंतजार सिगार पर सिगार। लाल हवेली में इस तरह अब शेख रशीद कई घंटे तनाव का शिकार। नवाज शरीफ को सजा के बाद हल्की फुल्की मौसीकी हो सकती है। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर भी हलचल। एवन फील्ड रेफरेंस टॉप ट्रेंड बन गया। लीगी कारकुनों और मुखालफीन में लफ्जी झड़पें। एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले से पहले स्टॉक मार्केट में हलचल। कारोबार के इख्तिताम पर इस्तेहकाम। इंडेक्स में 45 पॉइंट्स का इजाफा। सिंध में एफआईए की बड़ी कार्रवाई। जरदारी के करीबी साथी हुसैन लवाई जेरे हिरासत। 16 बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में पूछगछ। जुल्फी बुखारी की जान छूट गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कप्तान के दोस्त का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। सफरी पाबंदियां भी खत्म। करप्शन इल्जामात में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की एहतसाब अदालत पेशी। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। शुरका मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत पर FATF के एतराजात दूर करने के लिए पुरअज़्म। दुनिया न्यूज में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं उस्मान रहमान। दुनिया हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े केस के सबसे बड़े फैसले की। जी हां, मुल्की तारीख का एक अहम और बहुत बड़ा फैसला। एवन फील्ड रेफरेंस का बड़ा फैसला आ गया। नवाज शरीफ को 10 साल कैद,
1,29,00,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया, जबकि मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जिनके लिए मरियम नवाज कहती रही कि वो इनकी ट्रस्टी हैं और उनकी जानिब से जो ट्रस्ट डीड जमा कराई गई वो अब अदालत में जाली साबित हो गई है, लिहाजा एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को भाग के सरकार जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद, हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मरियम नवाज को झूठी दस्तावेजात जमा कराने पर मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी। तो बड़ा फैसला आया है एवन फील्ड रेफरेंस का आज, अगर से 5 बार ये फैसला मौखर हुआ, इस्तराब बढ़ता जा रहा था और बिलाखिर ये फैसला सुना दिया गया है आज, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 10 साल कैद, 1,29,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स भाग के सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जिन्होंने ये फैसला लंदन में बैठकर सुना, अब वो क्या ऐलान करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद वो मीडिया से बात भी करेंगे और अपने लाए अमल के बारे में आगाह भी करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी सबसे आम खबर वो ये कि एवन फील्ड रेफरेंस जो कि 3 रेफरेंसेज में से एक था जो शरीफ खानदान के खिलाफ चलाया गया, इसमें आज बरोज जुम्मा 6 जुलाई 2018 को फैसला आ गया और वो ये कि साबिक वजीर आजम को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। की तारीख के बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। एवन फील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा, 80,00,000 पाउंड जुर्माना। मरियम नवाज को 7 साल कैद, 20,00,000 पाउंड जुर्माना। शरीफ फैमिली के लंदन में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बहक के सरकार जब्त करने का हुक्म। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 174 सफात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। जज एहतसाब अदालत मोहम्मद बशीर ने फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुजरिम करार दे दिया। अदालती हुक्म में झूठी दस्तावेजात जमा कराने पर मरियम नवाज को मजीद 1 साल कैद भी सजा सुना दी गई। अदालत ने केस में शरीक मुलजिमों हुसैन और हसन नवाज की गिरफ्तारी के लिए दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अदालती ऑर्डर में कहा गया कि तमाम मुजरिमान को अपील में जाने से पहले सरेंडर करना होगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब कानून की शिक 15 के मुताबिक 10 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल हो गए। और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मुलजिमान 10 साल तक इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। मुलजिमान किसी बैंक से माली फायदा नहीं उठा सकते। सजा पूरी करने के बाद 10 साल तक किसी सरकारी ओहदे के लिए भी नाअहल हैं। मरियम नवाज की ट्रस्ट डीड जाली करार दे दी गई है। मरियम नवाज ने वालिद के जुर्म में मुआवनत की फैसले में ये तहरीर किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, जो इंतजार था, जो तजब्जुब था, इस्तराब था, वो खत्म हुआ, फैसला आ गया। जाहिर है इस फैसले से जो नवाज कैंप है उसकी टेंशन बढ़ गई है और इसका जो रद्द अमल आया उससे पता चल रहा है, लेकिन जो फैसला तहरीरी आया है 174 सफात का, उसमें क्या क्या बातें क्लियर कर दी गई हैं? देखिए, 174 सफात पर मुश्तमिल ये जो फैसला है उसमें दो चीजों को वाजे किया गया है। जो मेन एलिगेशन थे नवाज शरीफ पर, मरियम नवाज पर और कैप्टन रिटायर पर, वो दो थे। उनमें दो दफात लगाई गई थी, एक 9A4 थी और एक 9A5 थी। 9A4 ये थी कि जिसमें ये कहा गया हो कि करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए जो असासे बनाने का इल्जाम था उसमें तमाम मुलजमान को बरी किया गया है, उसमें प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही। तहम जो बेनामी दारों के जरिए जो या बेनामी प्रॉपर्टी बनाने के जुर्म में नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को उनकी मुआवनत करने और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को जाली ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने के जुर्म में सजा सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में ये वाजे लिखा है कि
जो तमाम मुल्जमान हैं उन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई, बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई, जिसका वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे सके। लिहाजा तमाम मुल्जमान को जो सजा सुनाई जा रही है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जो कैसे बामुशक्कत है। और ये साब अदालत ने अपने फैसले में लिखा है, और इस फैसले में ये भी कहा है कि जो मरियम नवाज हैं उनका ये अपने वालिद की जो प्रॉपर्टीज बनाने हैं उसमें मरकजी किरदार रहा है, और उसके हवाले से दीगर भी ऑर्डर्स में चीजें लिखी गई हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो ट्रस्ट डीड जमा करवाई गई थी वो भी बोगस साबित हुई है, और अदालत ने ये करार दिया है कि जो जो तमाम इसमें जो सेक्शन आयद की गई थी 9A5 वो जो सिर्फ साबित हुआ है, जबकि 9A4 जो जुर्म था वो साबित नहीं हुआ। इसी बुनियाद पर जो है वो अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें ये कहा है कि तमाम मुल्जिमान जो है उनको ये कैदे बामुशक्कत भी काटना होगी, जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल, इसके अलावा मरियम नवाज को 7 साल, जबकि कैप्टन सफदर को 1 साल, और इसके अलावा जो सेक्शन 15 है नैब ऑर्डिनेंस की, जिसमें किसी भी कन्विक्टेड जो है ये सजा पाने वाले मुल्जिम को या मुजरिम को वो 10 साल के लिए नाअहल हो जाएगा पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से, लिहाजा वो इलेक्शन के लिए भी नाअहल हो चुके हैं 10-10 साल के लिए। इसके अलावा अदालत के फैसले में वाजे लिखा गया है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज एब्सकॉन्डर्स हैं, इश्तिहारी हैं, उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में उनके हवाले से भी वाजे तौर पर पैराग्राफ लिखा है। इसके अलावा मुल्जमान के जो प्रॉपर्टीज हैं एवन फील्ड की 16A, 17A जो फ्लैट हैं एवन फील्ड के, उनको भी बहक सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया है, ये अदालत ने अपने फैसले में भी लिखा है। ये तमाम तर जो कार्रवाई थी ये इब्तदाई तौर पर अदालत ने जो तफसीली फैसला जारी किया है उसके कुछ जो पैराग्राफ हम पढ़ सकें अब तक, उसमें ये वाजे तौर पर सामने आया है कि जो जुर्म है वो ये साबित होता है कि उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई, और यही मुकदमा नैब ने साबित किया कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए असासे बनाने का जुर्म था वो नैब साबित नहीं कर सका। और इसमें नवाज का भी इंपॉर्टेंट रोल लिखा गया है, ये भी कहा गया है कि उन्होंने बोगस ट्रस्ट डीड जमा करवाई, और इसके अलावा जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई है, वो कोई भी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो नहीं बता। ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। जाहिर आने वाले दिनों में इस पर ही अब तबसरे तज्जिये होंगे, कानूनी राय जो है वो शामिल की जाएगी। आमिर, आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस बारे में। साद रसूल एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब हम चलते हैं। साथ तो एक चीज़ जो साबित कर पाई एहतसाब अदालत में जो प्रोसिक्यूशन, वो ये कि बेनामी जायदाद बनाई,